हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहले एपिसोड नहीं देखी है, मैं आपको उस वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एक बार जरूर चेकआउट करना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से नोवेल के मुताबिक होगा। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एल्डर युगॉन फूड सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसको कुछ बैड फील होने लगता है। इससे वो कुछ चेक कर पाता या समझ पाता। आसपास के हर जगह नीले समुद्र की कलर में चेंज होने लगता है और इसे देखकर एल्डर युगॉन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, दुश्मन, हमला। इसके बाद एल्डर युगॉन घबराते हुए अपनी स्प्रिट अवतार को एक्टिवेट कर लेता है। उसी के साथ अपनी सेवंथ सोल टेक्निक को यूज किया, इससे उनकी फ्लावर बड़ा हो गया। अब युगॉन भी समझ गया था वो अपनी मृत्यु के करीब पहुंच गया है, इसलिए वो अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करना चाह रहा होता है। एल्डर युगॉन ने देखा उनके हर एक इलाइट सोल मास्टर हवा में रेड क्रिस्टल में कवर किए हुए थे। ठीक इसी समय युगॉन की मन में जो भी गुस्सा था वो पूरी तरह से भयानक डर में बदल जाता है। अपनी टीम मेंबर को बचाना तो छोड़ो, बचाने के बारे में सोचा भी नहीं, तुरंत वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखते ही टेंशन उनके ऊपर अटैक कर देता है। टेंशन ने पहले ही तय कर लिया था और वो एक भी हुहन हॉल के सोल मास्टर को भागने नहीं देगा। तभी टेंशन कहता है, तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है। डर तो एल्डर युगॉन के दिल तक घर बना चुका था। तभी एल्डर युगॉन कहता है, यह वही व्यक्ति है, लेकिन इनके दिल में गोस्ट मास्टर का बदला लेना था, वो हवा की जैसा गायब हो गया। इसी के साथ वो अपनी एथ सोल टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो यहाँ से भाग निकल सकता है। लेकिन एक बड़े स्पॉट के साथ युगॉन के रास्ता रोक दिया गया और यह महुमजिंग होता है। महुमजिंग ने अभी अभी अपनी राइट आर्म सोल बोन की टेक्निक पीएनएक्स ब्रश का यूज किया था। जैसे ही एल्डर युगॉन महुमजिंग को देखा और वो नीचा दिखाने वाली स्माइल करने लगता है और उसी के साथ भागने के चक्कर में ट्राइडेंट से टकरा जाता है। उसे लगा कि वो एक लोहे की दीवार से टकरा गए हैं और उनका फ्लावर आसमान में बिखर गया और उनके नाक और मुंह से खून बहने लगता है। दोस्तों, इस पूरी ही कॉन्टिनेंट में कोई भी इंसान ट्राइडेंट की वजन को झेल नहीं सकता है। युगॉन ने कुछ पीछे हटा टेंशन और जिवू को आते हुए देखा और कहता है, आप यह वास्तव में तुम हो टेंशन? टेंशन कहता है, हम फिर से मिल गए सीनियर। तभी एल्डर युगॉन टेंशन से कहता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता होना चाहिए हमने जो भी किया वो सब सुप्रीम कॉन्टिनेंट का ऑर्डर थे। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं हेवन डू एम्पायर में शामिल हो जाऊंगी, साथ ही मैं हेवन डू एम्पायर से निपटने में तुम्हारे हेल्प करूंगा, मैं भी एक ग्रैंड सोल मास्टर हूँ। टेंशन कहता है, सीनियर, उस समय स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में क्या तुमने मुझे और जिवू ओ जाने दिया था? क्या तुम टायर ड्रैगन प्लेन को और मेरे पेरेंट्स को जाने दिया था और ना जाने कितनों को तुम जाने दिया था? इसलिए आप कुछ तो गिल्टी फील के साथ मरिए। इतना सुनते ही एल्डर युगॉन के थॉट बदल जाते हैं और उनका चेहरा शांत हो गया और कहता है, तुम सही हो, मैं एक ग्रैंड सोल मास्टर हूँ, मैं क्यों झुकूंगा, मैं आज यहाँ पर अपनी ही वजह से हूँ। यदि मैं हुहान हॉल से नहीं जुड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। यदि मेरा फिर से जन्म होगा तो मैं एक साधारण सोल मास्टर बनना चाहूँगा, शायद मौत मेरे लिए एक नई शुरुआत है। क्या तुम बता सकते हो बिना सोल रिंग यूज किए तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे है? इस पर टेंशन शांत तरीके से कहता है, मेरे पास सोल रिंग को छुपाने की एबिलिटी है। इसी के साथ टेंशन ने सिगॉट ट्राइडेंट को आगे की ओर इशारा किया। इसके साथ एक के बाद एक सोल रिंग दिखाई दी, 4 ब्लैक 1 रेड ब्लैक 3 रेड, कुल मिलाकर 9 सोल रिंग दिखाई दी। यह देखकर एल्डर युगॉन भी नहीं महुमजिंग भी हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही एल्डर युगॉन अपनी पूरे पावर से फाइट करने के बारे में सोचता है और अपनी सोल प्रोटेक्टिव बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखते ही टेंशन जिवू और महुमजिंग को पीछे हटने के लिए कहता है। ट्राइडेंट पहले ही युगॉन की सीने की ओर इशारा कर रहा था। टेंशन भी अपनी सोल प्रोटेक्टिव बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। इसके साथ ही टेंशन की लास्ट रिंग फ्लैश करने लगती है। युगॉन भी अपनी अवतार स्टेज में अपनी 9 सोल टेक्निक को यूज करता है। युगॉन की काफी बड़ा फ्लावर हवा में उठाते हुए दिखाई दिया, क्रिस्टमस फॉल इन अर्थ विद बाउंड फ्लावर ब्रोकन हार्ट। इस शब्द के साथ उनकी फ्लावर पूरी ही तरह से बीकर जाता है, सीधे आसमान की ओर टेंशन की ऊपर गिरने लगता है।
बस इसी समय ब्लू सिल्वर अवतार स्टेज में टैंक्शन की ब्लू लाइट अचानक यूज और हो गई और नाइन्थ रेड सोल रिंग के साथ उनकी बॉडी मर्ज हो गई और एक बड़ा सा ड्रैगन टैंक्शन के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया। स्काई ब्लू पाइथन डैमिंग के इन्वॉल्व रूप था। यह टैंक्शन की नाइन्थ सोल टेक्निक में से एक था और इसका नाम ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन सोल। यह ड्रैगन उस फ्लावर से टकरा गया। हवा में काउंटलेस क्रैक एक्सप्लोड हो जाता है और दोनों की नाइन्थ सोल टेक्निक आपस में टकरा जाते हैं। इसकी वजह से फ्लावर पूरी तरह से गायब हो जाता है और इसी समय एक बहुत बड़ा स्पॉट होता है। युगॉन ने महसूस किया वो अपनी बॉडी से कंट्रोल को चुका है और उनके पैर के नीचे एक और बड़ा सा ड्रैगन दिखाई दिया। इस हाई प्रेशर में युगॉन ने ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। युगॉन की हालत पहले से खराब हो चुकी थी और वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी टैंक्शन उसे 10,000 और 100,000 की टेक्निक का अंतर बताने लगता है। 10,000 ईयर में एक ही टेक्निक होता है और 100,000 ईयर में दो टेक्निक होते हैं और उसके साथ ही हम देखते हैं युगॉन के चारों ओर घूम रही यह बड़ा सा ड्रैगन। यह टैंक्शन का नाइन्थ स्पिरिट रिंग का सेकंड टेक्निक होता है। यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल एबिलिटी है और इसका नाम ब्लू सिल्वर इजो ड्रैगन तानलीगन स्ट्रेंथ होता है। इससे बचने के लिए अपोनेंट को टैंक्शन से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। टैंक्शन की पीछे की तरफ एक जोरदार स्पॉट हो जाता है। तभी टैंक्शन कहता है गुड बाय सीनियर और इसके साथ ही हम देखते हैं युगॉन मर चुका होता है। और तभी महुमजिंग कहता है थर्ड ब्रदर तुम्हारी पावर तो सच में बहुत भयानक है। जिसके साथ ही टैंक्शन वहाँ से निकलकर पहले वाली जगह पर आ जाता है। वहाँ पर ऑस्कर निंग रोंग रोंग और यह चारों पहले से यहाँ से जा चुके होते हैं। तभी टैंक्शन ने एक डिसेबल से पूछता है जिस पर वो डिसेबल बताता है सौर मास्टर की तीन टीम एक के बाद एक हमारे स्काउटिंग कैंप में दिखाई दे रही है और वो सभी 50 लेवल के सोल मास्टर है। वो लोग हमारे आर्मी के सप्लाई के पास अलग अलग दिशा में दिखाई दे रही है और वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तभी टैंक्शन सोचता है क्या इस प्रत्येक टीम को ग्रैंड सोल मास्टर लीड कर रहे हैं। तभी जिवू कहती है डाई मुबई ठीक है। तभी टैंक्शन ने हंसते हुए कहता है वो चारों हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो ऐसा लगता है हम इस पल नहीं मिल पाएंगे। अभी भी हुहन हॉल के और भी टीम हो सकते हैं और इसके बाद हमारे सिम शिफ्ट होकर के बीबी डोंग पर आ जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर एक सोल मास्टर बीबोंग को सूचना देते हुए कहता है हेवन ड्यू आर्मी पहले ही दो दिन का कैंप कर चुके हैं, आपको जल्दी ही कुछ कार्यवाही करनी होगी। तभी बीबी डोंग ने पूछा हमारे आर्मी की स्थिति कैसी है। तभी उस सोल मास्टर बताता है सब तैयार है, आपका ऑर्डर का इंतजार है। दोबारा से बीबी डोंग कहती है क्या छापेमारी करने वाले पार्टी की कोई खबर है। तभी उसने कहा नहीं अभी कोई खबर नहीं है। फिर से बीबी डोंग कहती है कोई खबर है तो मुझे बताना। यहाँ पर हमारा एपिसोड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।